मध्य प्रदेश में राजनीतिक गहमा गहमी एक बार फिर तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार शुक्रवार शाम 5 बजे तक कमलनाथ सरकार को बहुमत साबित करना है, लेकिन बहुमत साबित करने से पहले कमलनाथ ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कमलनाथ के इस्तीफे के बाद सीएम हाउस में हंगामा मच गया है। इस्तीफे के ऐलान के दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और कहा कि हमने आम लोगों के लिए काम किया, लेकिन भाजपा को रास नहीं आया। हमारी सरकार पर किसी तरह का आरोप नहीं लगा। बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया, लेकिन हमें उनके लिए काम नहीं करने दिया। हमने अपने कार्यकाल में माफियाओं को खत्म करने का काम किया। बीजेपी को यहाँ सरकार चलाने के लिए 15 साल मिले। शिवराज सिंह ने साथी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यालय परिसर में स्थित श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके चरणों में नमन किया। मध्य प्रदेश के 21 पूर्व विधायक बेंगलुरु से आज शाम तक भोपाल लौटेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश की उम्मीद विश्वास की हार हुई है। लोभी और प्रलोभी जीत गए हैं। मध्य प्रदेश के आत्मसम्मान को हराकर कोई नहीं जीत सकता। मैं पूरी इच्छा शक्ति से मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करता रहूँगा। वहीं हाल ही में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह से लोकतंत्र की हत्या कभी नहीं हुई। सत्ता के लिए भाजपा और शिवराज सिंह ने सारी हदें पार कर दी। भाजपा ने विधायकों की खरीद फरोख्त की। सियासी घमासान के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रास्ते से भटक गई थी मध्य प्रदेश सरकार, सच्चाई की जीत हुई। भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने शिवराज के नाम पर सहमति दी है। शपथ ग्रहण समारोह कल हो सकता है और देर शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान को नेता चुन लिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की चौथी बार शपथ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी विधायक शरद कौल ने इस्तीफा दे दिया। स्पीकर ने शरद कौल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। भाजपा विधायक दल की बैठक सीहोर में हुई। इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान, विनय सहस्त्रबुद्धे, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में फ्लोर टेस्ट पर रणनीति बनी। सियासी हलचल के बीच राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।